दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बोनस, केजरीवाल सरकार खर्च करेगी 56 करोड़ रुपए। 2024 में बीजेपी बदलेगी ब्रिजभूषण शरण सिंह की सीट, सांसद ने किया बड़ा दावा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की 5वीं सूची। पंजाब के मोगा में भीषण हादसा, कार और ट्रक की आमने सामने टक्कर, 5 युवकों की हुई मौत। इजराइल हमास जंग के बीच फिलिस्तीन में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 9,770। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने की विराट कोहली को भारत रत्न देने की मांग। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, नोएडा में 616, गुरुग्राम में 516 और दिल्ली में 417 एयर क्वालिटी की गई दर्ज। गीतकार और फिल्म लेखक सैयद गुलरेज का निधन, कई दिग्गज संगीतकारों के साथ किया था काम। देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। शेयर बाजार में दिखा मजबूती, सेंसेक्स 385 अंक उछला, निफ्टी 19,350 के हुआ करीब।